दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय कौटिल्य एकेडमी रीवा। रीवा जिले के समस्त चिकित्सक और भारतीय चिकित्सक संघ के सभी सदस्य सिविल अस्पताल मऊगंज में चिकित्सक के साथ हिंसा करते हुए मरीज के परिजनों के द्वारा चिकित्सक डॉक्टर अनिल सिंह उइके पर हुए जानलेवा हमले का पुरजोर विरोध करते हुए कड़े शब्दों में उसकी भर्त्सना की है। प्रत्येक चिकित्सक अपनी पूरी क्षमता और योग्यता से आने वाले सभी मरीजों को अधिकतम संभव मदद और उपचार देने का प्रयास करता है। दुर्भाग्य से इसके बावजूद कुछ मरीजों को बचाया नहीं जा सकता, लेकिन ऐसी घटना में उद्वेलित होकर चिकित्सक पर जानलेवा हमला कर देना कायरता है। ऐसे समाज विरोधी तत्वों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, जिससे चिकित्सकों का मनोबल बना रहे। वहीं पहले भी कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन पर प्रभावी कार्रवाई न किए जाने के कारण असामाजिक तत्वों के हौसले बुलंद होते हैं। ये कहते हुए सभी चिकित्सकों ने मांग की है कि घटना में शामिल सभी तत्वों की पहचान कर उन्हें हर संभव आवश्यक धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की जाए। वहीं चिकित्सकों ने कहा है कि कार्रवाई न होने की स्थिति में असंतोष के कारण सभी चिकित्सक अपने काम से विरक्त होंगे और भविष्य में आंदोलन के लिए भी बाध्य होंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। क्या नाम है आपको? डॉक्टर ए के तिवारी हूँ, सेक्रेटरी आई एम ए रीवा। आज एसपी ऑफिस आए हैं जी, इस विषय को लेकर के आपके द्वारा ज्ञापन दिया जा रहा है। ये परसों शाम को डॉक्टर उइके हैं हमारे पीएससी मऊगंज में, जिनके साथ मारपीट की गई है और उनको जान से मारने का प्रयास किया गया है, तो उसके खिलाफ़ हम लोग जो है ज्ञापन दे रहे हैं ताकि FIR दर्ज हो, गिरफ्तारी हो, सारी कार्यवाही कानूनी कार्यवाही हो। डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट लगे, किसके द्वारा धमकी दिया जा रहा है, किसके द्वारा? धमकी नहीं दी जा रही है, एक्चुअली पेशेंट वहाँ एक एक्सीडेंट का अवस्था में एक मरीज को लेकर आया गया था जिनकी मृत्यु हो गई, तो उनके परिजनों ने मिल करके 15-20 लोगों ने मिलकर डॉक्टर और वहाँ पैरामेडिकल स्टाफ को साथ मारपीट की, और जब वो बचा के लोग उनको घर ले गए तो उनके घर में आग लगाने का भी प्रयास किया गया। एसपी रीवा से मुलाकात हुई आपकी? नहीं, एसपी साहब यहाँ पे है नहीं, DSP सिटी VP सिंह साहब से बात हुई है, उनको दे दिया गया है ज्ञापन। कमिश्नर साहब से भी बात ज्ञापन दिया गया, हमने आश्वासन दिया है कि कार्यवाही की जाएगी। अभी कमिश्नर साहब को ज्ञापन दे चुके हैं हम लोग, कलेक्टर साहब को देने जा रहे हैं। राजवाटिका विवाह घर सर्वसुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओतप्रोत, राजवाटिका विवाह घर में इंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, झूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।